मध्य प्रदेश की खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को धार देने के लिए दमोह और गुना पहुंचे। यहां चुनावी सभा को संबोधित करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के महिलाओं पर दिए बयान को उन्होंने भद्दा बताया। पीएम मोदी ने कहा कि घमंडिया गठबंधन के बड़े नेता ने विधानसभा के अंदर भद्दी बातें कही, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, कितने नीचे गिरेंगे, दुनिया में देश का अपमान ये लोग करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के भयंकर अपमान के खिलाफ में एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा दृष्टिकोण रखने के लिए आपका भला कैसे कर सकते हैं। वहीं इससे पहले दमोह की सभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के 5 पांडवों वाले बयान पर कहा कि मुझे गर्व है कि हम 5 पांडवों की राह पर चल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 तक 10 साल लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, लेकिन किसी को पता ही नहीं था कि देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, क्योंकि सब रिमोट से चल रहा था। आज भी कांग्रेस की रिमोट की आदत नहीं जा रही है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रिमोट से चलते थे और इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे रिमोट से चल रहे हैं। उस समय प्रधानमंत्री रिमोट से चलते थे, इन दिनों कांग्रेस के अध्यक्ष रिमोट से चल रहे हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष सीनियर मोस्ट लोगों में से एक है, मेरे अच्छे मित्र भी हैं, लेकिन आज उनका हाल ऐसा कर दिया है कि वो कुछ कर नहीं पाते, नाम मात्र के रख दिए उनको। लेकिन मैं कभी कभी देखता हूं कि हमारे कांग्रेस अध्यक्ष जी खुद के मूड में आ जाते हैं। कभी ये रिमोट का अगर चार्जिंग खत्म हो गया हो या कनेक्टिविटी टूट गई हो तो उनके मुंह से कुछ अच्छी बातें निकल जाती है। मैंने कहीं पढ़ा, कल उन्होंने पांडवों को याद किया था। जब रिमोट चलता है तब वो सनातन को गाली देते हैं, लेकिन रिमोट बंद हो गया तो उन्होंने कल पांडवों को याद किया, मतलब सनातन को याद किया, और उन्होंने ये कहा भाजपा में 5 पांडव है। देखिए, जब सच बोलते हैं तो कैसी बात निकलती है जी। हमें गर्व है हम 5 पांडवों के राह पर चल रहे हैं, इससे बड़ा